एक वायरल वीडियो जिसमें एक पुलिस वाला एक युवक और युवती पर किसी बात को लेकर गाली गलौज करते हुए गोली चला देता है और गोली लगने से युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो जाती है। वीडियो को अलग अलग दावों के साथ तेजी से वायरल किया गया। लोगों ने इसे पुलिस की मनमानी बताते हुए वीडियो में दिखने वाले वर्दीधारी पर कार्रवाई की मांग की। एक वीडियो में हमने पड़ताल करते हुए बताया था कि वीडियो में दिखने वाले तीनों लोग एक वेब सीरीज पर काम कर रहे कलाकार हैं और ये सच्ची घटना नहीं बल्कि एक वेब सीरीज शूटिंग के दौरान की रिहर्सल है। मगर उसके बाद हमारा कमेंट बॉक्स इस तरह की टिप्पणियों से भर दिया गया। क्या थे वो कमेंट, पहले आप उन्हें देख लीजिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं Time24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Time24 न्यूज एक बेहद जिम्मेदार चैनल है और हम आपको फेक न्यूज से बचाने के लिए उनके पीछे का सच बताते हैं। खैर, आज बात उस वीडियो की जिसका सच बताने के बाद भी आप में से बहुत से लोगों को सच पर यकीन नहीं हो रहा था, तो आपके उन सवालों के जवाब देने हम अपने सच को और मजबूत करके सामने लाए हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले हम आपको फिर से वो वायरल वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों का बताकर वायरल किया गया और दावा किया गया कि एक पुलिसकर्मी ने युवक और युवती की निर्मम हत्या कर दी, मगर उसके बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई। मगर हम आपको मिलवाते हैं उस आरोपी से, सुनिए क्या कहता है आरोपी। तो राम राम, मेरा नाम विनय कुहाड़ है और हमें पता चला कि आज सुबह से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि एक पुलिस वाला एक औरत और बच्चे को गोली मार रहा है। देखिए, उस वीडियो में मैं ही हूँ और वो एक वेब सीरीज का सीन है जो कि एक रियल इंसिडेंट गुड़गांव जो जज की वाइफ और बच्चे का उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने मर्डर कर दिया था, ये उस पर रियल इंसिडेंट पे बेस है। एक्टिंग की गई है, कोई ओरिजिनल इंसिडेंट कोई करनाल में हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ एक एक्टिंग थी। दोस्तों, वीडियो में एक गोली चलाता दिख रहा वर्दीधारी कोई पुलिसकर्मी नहीं बल्कि एक्टर और प्रोड्यूसर विनय कुहाड़ है जिनके द्वारा वेब सीरीज बनाई जा रही है जो जल्द बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, इस वेब सीरीज की शूटिंग की ये रिहर्सल हरियाणा के करनाल में फ्रेंड्स कैफे के बाहर हुई थी जिसकी पुष्टि कैफे मालिक द्वारा भी की गई है। विनय कुहाड़ ये भी बताते हैं कि नोएडा में कुछ साल पहले जो एक जज की पत्नी और उनके बेटे को उनके सुरक्षाकर्मी द्वारा गोली मार दी गई थी, वेब सीरीज उसी पर आधारित है। इसके अलावा भी ऐसी कुछ और तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं जिन्हें देखकर आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। विनय कुहाड़ द्वारा ये भी बताया गया कि वीडियो में जिन लोगों को गोली लगते दिख रही है वो एक्टर देव और श्वेता सिन्हा है। तो हमारी पड़ताल में पहले से ही साफ था कि ये किसी वेब सीरीज के रिहर्सल का हिस्सा है, मगर आपके सवालों के जवाब देने में हमें भी खुशी हुई। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो करीब 4 महीने पुराना है। दोस्तों, आपको हमारी पड़ताल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई भी ऐसी वीडियो आती है जिसकी सत्यता पर आपको शंका है तो वो वीडियो आप हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं, आपके लिए उस वीडियो की पड़ताल करेगी हमारी टीम। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर ये पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।